नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सर्दी का मौसम अब सताने को आतु है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। मौसम के जानकारों की माने तो कांपने वाली सर्दी जल्द पड़ने के आसार हैं। इन लोगों के मुताबिक उत्तर भारत के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश के बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में भी शीतलहर शुरू हो जाएगी। अनुमान है कि आज रात से ही तापमान में तेजी से गिरावट शुरू हो जाएगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में रात में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ठंडी हवा भी चलेगी जिससे ठिठुरन पड़ेगी। इन इलाकों में लोगों के अगले 4 से 5 दिनों में हाड़कंपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ सकता है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और गुजरात से सटे अधिकांश हिस्सों में पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम होने का अनुमान है। इसके साथ ही अगले 4 दिनों में पूर्वी भारत और महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। IMD ने एक बयान में कहा कि 17 दिसंबर से 21 दिसंबर के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और सौराष्ट्र और कच्छ में शीतलहर, गंभीर शीतलहर की स्थिति 18 दिसंबर से 21 दिसंबर के दौरान उत्तरी राजस्थान में, 19 दिसंबर से 21 दिसंबर के दौरान पश्चिम उत्तर भारत में और गुजरात क्षेत्र में 19 और 20 दिसंबर में कड़ाके की ठंडी पड़ सकती है। IMD ने कहा कि अगले 4 दिनों के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ, पंजाब और हरियाणा में अलग अलग इलाकों में सुबह के समय पाला पड़ने की संभावना है। मैदानी इलाकों में IMD न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने पर शीतलहर की घोषणा करता है। जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो और समान 4.5 डिग्री कम हो तो शीतलहर भी घोषित की जा सकती है। जब न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है या सामान्य से प्रस्थान 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो एक गंभीर शीतलहर घोषित की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।